नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल में शहीदों की याद में बनेगा पांचवा धाम। भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में शहीदों के नाम से पांचवा धाम बनाने की घोषणा की है, जिसके निर्माण में शहीदों के घर आंगन की मिट्टी को भी शामिल किया जाएगा। इसी के तहत पूरे उत्तराखंड में शहीद सम्मान यात्रा निकाली जा रही है और अमर शहीदों के घर आंगन की मिट्टी उठाई जा रही है। जनपद नैनीताल के कालाडूंगी में भी यात्रा पहुंची और कालाडूंगी कोटाबाग क्षेत्र के 6 अमर शहीदों के घर आंगन से मिट्टी उठाई गई। सेनाधिकारियों और पूर्व सैनिकों द्वारा निकाली जा रही इस यात्रा के दौरान लक्षमपुर के शहीद ध्यान सिंह बसेड़ा, छकलोवा के कारगिल शहीद मोहन चंद्र जोशी, गुलजारपुर के शहीद मोहन सिंह, कालाडूंगी के नेत्र सिंह, पतालिया कोटाबाग के धर्मेंद्र कुमार और हावलाकोट कोटाबाग के मनमोहन बुधानी के घर आंगन से मिट्टी उठाई गई। बताते चले कि देहरादून में बनने वाले इस सैन्य धाम के संबंध में जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जिस तरह लोग उत्तराखंड में चार धाम के दर्शन करने आते हैं, उसी तर्ज पर अब लोग सैन्य धाम को भी देखने आएंगे। भारत की सेना के 2 शहीद बाबा जसवंत सिंह और बाबा हरभजन सिंह के मंदिर भी सैन्य धाम में बनेंगे। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि वीरों की भूमि उत्तराखंड के शहीदों ने अपने आप को देश के लिए कुर्बान किया। ये सैन्य धाम शहीदों के लिए श्रद्धांजलि के रूप में बनाया जा रहा है। कालाडूंगी संवाददाता साहिद हबीबी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इसमें शहीद और विशेषकर सेना और जवान उसका सम्मान ये हमारी प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सेना का सम्मान मनाने के लिए, शहीदों को उनका सम्मान मिले इसके लिए अनेक प्रकार की जो योजनाएं परियोजनाएं सरकार की ओर से चली। आज जो शहीद सम्मान यात्रा जो चल रही है, जो 15 तारीख को गढ़वाल से प्रारंभ हुई और 20 तारीख को पिथौरागढ़ से प्रारंभ हुई, आज यहाँ पहुँची है। उत्तराखंड में चार धाम हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब वो आए थे और उन्हें इच्छा व्यक्त की थी कि यहाँ इतना बड़ी संख्या में सेना में लोग शहादत देते हैं, सेना हमारे यहाँ के लोग हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन लगाते हैं, तो यहाँ एक पांचवा धाम सैन्य धाम बनना चाहिए। जैसा कि उन्होंने बताया भट्ट जी ने कि चार धाम है हमारे उत्तराखंड में, एक पांचवा धाम शहीदों के नाम से बनेगा। उसी के लिए लोगों के आंगन से मिट्टी कलेक्ट हो रही है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि उत्तराखंड में जितने एक्स सर्विसमैन, जितने सोल्जर्स हैं, चाहे वो किसी भी फौज के हों, इसकी नफरी सबसे ज़्यादा है। एक पहले से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हम पढ़ते थे बचपन में, उसमें रशिया का एक सूबा था जहाँ सबसे ज़्यादा फौजी थे, लेकिन फिर उस रिकॉर्ड को तोड़ा है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ने, हमारे जो पुराना पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट था जब कुमाऊँ में खाली 3 डिस्ट्रिक्ट होते थे। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से। एंड जो हमारे ज़िला सैनिक कल्याण अधिकारी हैं, कैप्टन भारतीय नौसेना के धपोला साहब, वो इसमें पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी 27 तारीख को जो हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह आएंगे, एक भव्य कार्यक्रम होगा हल्द्वानी में रामलीला मैदान में। एंड आपको अगर मालूम हो या ना हो, मैं बताना चाहूँगा, जो भारतीय थल सेना है विश्व की दूसरे नंबर की नफरी है, सेकेंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी। पूरे राज्य में शहीद सम्मान यात्रा प्रारंभ हुई है गढ़वाल और कुमाऊँ रीजन में। जिला नैनीताल में आज हम कालाडूंगी में शहीद नेत्र सिंह उनके आवास पे हैं, उनकी हमने घर आंगन से मिट्टी उठाई है और सभी शहीदों की मिट्टी सैन्य धाम के लिए, जो उत्तराखंड का पांचवा धाम होगा, वहाँ वॉर मेमोरियल बनेगा, वहाँ उसको भेजी जाएगी और 27 तारीख को सभी शहीद उनके वीर नारियाँ परिवारजन उनको सम्मानित किया जाएगा हल्द्वानी में। शहीद सैनिक यात्रा यहाँ पहुँचने पर बहुत बड़ी खुशी है। मैं खुद एक सैनिक परिवार से और खुद भी एक सैनिक होने के नाते जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने आज कर रखा है, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं सभी से ये भी प्रार्थना करता हूँ, जो हम सैनिक हैं, हमें सबसे पहले अपना सैनिक धर्म को अपनाना चाहिए, फिर हिंदू धर्म को अपनाना चाहिए।